नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं सोन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शाही पनीर, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट। आइए जानते हैं इसके लिए मैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैं चाहिए पनीर 200 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, अदरक एक टुकड़ा, लहसुन 10 पीस, हरी मिर्ची 2 पीस, घी 50 ग्राम, नमक, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, छोले मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टेबल स्पून, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और काजू 20 ग्राम और तरबूज मगज 20 ग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोन शर्मा किचन किंग में। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रही। तो चलिए बनाते हम शाही पनीर। तो ये मैंने लहसुन, ये पनीर 250 ग्राम और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज और टमाटर और ये काजू और ये तरबूजा मिर्ची, तरबूजा मगज, वाटरमेलन सीड भी बोलते हैं, और ये काजू 20 20 ग्राम है दोनों। तो चलिए इन्हें हम अच्छे से वॉश करके ग्रेवी का पेस्ट बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये प्याज मैंने 250 ग्राम काट लिए हैं और लहसुन छील लिया है, अदरक को वॉश करके काट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, ये सब एक मिक्सी के अंदर डाल देते हैं। काजू और मगज, मतीरा मगज, ये सब मिक्सी में डाल देते हैं। हरी मिर्ची, अदरक वगैरह सब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं, पीस के अच्छे से पेस्ट बना के रख लेते हैं। साथ ही 250 ग्राम जो टमाटर है उसका पेस्ट भी हम बना के रख लेते हैं। तो दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है, पेस्ट तैयार है। तो चलिए हम साथ के साथ एक तवा लगाते हैं और जो पनीर चौकोर पीस में कटे हुए हैं इन्हें तवे के ऊपर सेक लेते हैं। थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के इनको सेक लेते हैं। ये एक तरफ सिकते रहेंगे और दूसरी तरफ हम पनीर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो इन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इनको गैस ऑन कर दिया है फुल फ्लेम पे और ये एक तरफ पक रहे हैं। तो चलिए हम दूसरी तरफ एक फ्राई पैन चढ़ाते हैं और उसके अंदर हम घी डालते हैं 50 ग्राम। गैस ऑन कर लिया है फुल फ्लेम पे, गैस फुल आंच पे है और ये 50 ग्राम मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये जीरा, लौंग, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची छौंकन के लिए ये इसके अंदर डाल देते हैं। एक तरफ पनीर हमारी हो रही है और घी गरम हो चुका है, इसके अंदर हम काजू मगज, मतीरा मगज और लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो हमने लौंग तेज़पत्ता डालने के बाद डाल दिया है। और अब इसको हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता अच्छे से पक के। और एक तरफ तवे पे हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, उसे भी हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे और उसको भी हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे पनीर को भी, और इसे भी हम ये देखिए बीच बीच में हम पलटते रहेंगे पनीर को भी। इस तरीके से बीच बीच में पनीर को पलटते रहना है और आपको अगर लगे गैस तेज़ है तो आप उसे थोड़ा कम कर लीजिए, कभी तेज़ कर लीजिए, इस तरीके से करके इन्हें ये देखिए ये पनीर हमारा ब्राउन हो चुका है। और एक तरफ हमारी ग्रेवी पक रही है, उसे भी हम बार बार बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो लग ना जाए। तो पनीर ये फाइनली तैयार होने के लिए पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है। तो अब इस पनीर को हम एक बॉल लेते हैं और उसके अंदर हम पानी डालते हैं, अच्छा पानी, और ये पनीर सारा उस पानी के अंदर डालकर रख देते हैं। ये पानी है इस बॉल के अंदर, ये पनीर मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया है। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा जब हम ग्रेवी में डालेंगे, तो इसको चलिए रख देते हैं और ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को हम बीच बीच में हिलाते रहे हैं और इसको लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, कम गैस पे, तेज़ गैस पे हम इसी तरीके से इसे हिलाते हिलाते ब्राउन कलर की कर लेंगे। बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि हमारी ग्रेवी लगे ना। ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट सब्जी होती है शाही पनीर, इसका अंदाज ही निराला होता है। ये देखने में भी बहुत शानदार होती है, ये देखिए बहुत धीरे धीरे तेज आंच पे ये देखिए ब्राउन हो
चुकी है फाइनली। इसको ब्राउन करने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। और ये टमाटर जो हमारे पास 250 ग्राम पीस के हमने पेस्ट बना रखा था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब कम से कम 100-150 ग्राम पानी भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और पानी की रिक्वायरमेंट और भी होगी इसके अंदर। हम मसाला डाल के फिर पानी डालेंगे। ये नमक डाला है मैंने 1.5 टेबल स्पून, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, छोला मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए इस मसाले को हम अच्छे से मिला देते हैं, और ग्रेवी को थोड़ा पतला करके ढक के रख देते हैं पकने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं आप। ये पनीर को हम निकाल के रख लेते हैं, ग्रेवी को पकने देते हैं। ये 10 से 15 मिनट तक पकेगी लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे। ये पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इसे पहले तैयार करके पानी में डाल के रख देते हैं, तो बहुत सॉफ्ट लगता है ये सब्जी के अंदर, इतनी शानदार लगती है। इस तरीके का आइडिया आप ये देखिए, बहुत सॉफ्ट होता है पनीर खाने में ये, इस तरीके से किया हुआ पानी के अंदर। तो चलिए हम ग्रेवी को चेक करते हैं। देखिए बीच बीच में ग्रेवी को हिलाते रहना है, फिर हम ढक देते हैं इसे 5 मिनट के लिए, फिर इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहना है, हिलाते रहना है ग्रेवी को। ये देखिए कितनी शानदार ग्रेवी लग रही है हमारी पनीर की। चलिए हमारी ग्रेवी फाइनली 15 से 20 मिनट पक के तैयार हो चुकी है। इसमें हमने पनीर डाल दिया है, अब इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं और कम आंच पे 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं, और फिर हम इसका गैस बंद कर देंगे और दूसरी तैयारी करते हैं। ये एक प्याज लिए, एक शिमला मिर्ची और एक हरी मिर्ची। तो इनको अच्छे से वॉश करके प्याज को मैं गोल गोल पीस में काट लूँगा, और शिमला मिर्ची को लंबे पीस में काट लिया, हरी मिर्ची को तिरछा गोल काट लिया है। तो चलिए एक कढ़ाई चढ़ाते हैं हम, एक फ्राई पैन चढ़ाते हैं गैस पे, उसमें ये लच्छे बन जाएंगे इसके ऑटोमेटिक ही। तो चलिए हम फाइनली एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं। देखिए हम इसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं इस कढ़ाई के अंदर। ये उसके डेकोरेशन के लिए शाही पनीर, तभी तो शाही पनीर लगेगा जब अच्छा सा शानदार उसके ऊपर डेकोरेशन होगा। ये कलुंजी है, कलुंजी ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली है, और ये सब डाल देता हूँ मैं। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे हिला के, और इसको इस तरीके से 1 मिनट के लिए हिला के फिर गैस बंद कर देना। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, खड़े खड़े रखना है, सिर्फ छोंक लगाना था कलौंजी का। फिर हम गैस बंद कर देते हैं, हमने सब्जी का गैस बंद कर दिया है इस तरीके से, और ये डेकोरेशन के लिए तैयार है। चलिए गैस बंद कर देते हैं, ये तैयार हैं, और ये सब्जी हमारी परोसने के लिए तैयार है। हमने बाउल में डाल दी है और ये डेकोरेशन कर दिया है इन सब चीज़ों का। तो आप बनाते रहिए, खाते रहिए और बताते रहिए। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी है ये। इनमें से आप अगर कोई चीज़ें कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। अगर आपके पास तरबूज, मीजी, मगज़ नहीं है तो आप बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। और हाँ, आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और बताते रहिए।